हेलो गाइस, कैसे आप सभी? और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं आपका म्यूजिक शायर फिर से आ चुका हूँ नया रिएक्शन वीडियो लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, फिर बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। गाने का नाम होने वाला है प्यार नाल बाय बॉय मिया। रैप स्टार रिलोडेड एल्बम आ चुकी है, उसका ये ट्रैक होने वाला है। ट्रैक को सुनते हैं, उससे पहले ये बता देता हूँ म्यूजिक और लिरिक्स बॉय मिया पाजी के ही होंगे। चेकआउट करते हैं गाने की वाइब कैसी है और गाना कैसा है और प्यार नाल कितना गाना बनाया गया है। हाइज आ रहा है, हाइज नोट। वेखी ना तू मेरे वाल नकली जा हसीना, सवारी जाना जदों जांदे जांदे दसी ना, ऐवें ना हसाई मैनू गला च ना लाई मैनू, झूठी भी कोई दसी ना तू सच्ची भी कोई दसी ना, जांदे जांदे होर कोई आस लगाई ना, जांदे जांदे मैनू हुण नींद चो जगाई ना, जांदे जांदे वैर ने हुण मुड़ के तू आई ना, होर मेरे दिल नू सताई ना, जदों अगली वारी तू मैनू छड़ना, जदों अगली वारी तू मैनू छड़ना, माही वे मैनू, माही वे मैनू, माही वे मैनू प्यार नाल छड़ी। पाजी यार क्या कमाल है भाई, क्या गाना बनाया है आपने, सही में रोंगटे खड़े हो गए मेरे अभी भाई। क्योंकि है ना, मेरे को ऐसी वाइब आई ना कि यार क्या कमाल, मतलब एक्सपेक्ट नहीं होता ना किसी आर्टिस्ट से कि वो ऐसा काम भी कर सकते हैं। तो भाई और ये ऐसा काम निकल जाए और बना दिया। मैं स्टार्टिंग में मेरे को यही लग रहा था कि भाई ये बकवास होने वाला है गाना, पर भाई जो अभी आया ना उनसे इसका कोरस वाला पार्ट आया है भाई, सही में यार मज़े आ गए भाई। बॉय मिया पाजी सल्यूट है। एक्सीलेंट वर्क के साथ में भाई मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जो इसके अंदर प्रोडक्शन है ना, प्रोड्यूस कर रहा है भाई सब, जो इसके अंदर किक आ रही है और बहुत सॉफ्ट आ रही है, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करना, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रखे है, गिटार हो गया, प्लग्स हो गया। तो यार एक है ना, मतलब रोमांटिक गाना बनाने के लिए सैड टाइप गाना, उसको सैड करवाने के लिए थोड़ा म्यूज़िक का भी इंपॉर्टेंस यही रहती है कि उसको सॉफ्ट रखे पूरे गाने को, क्योंकि है ना जिसमें ज़्यादा हुल्ला हल्ला होगा तो भाई गाना बेकार हो सकता है। गाने की वाइब के ऊपर पूरा मैच होता है ये सारा, म्यूज़िक की कैसा करना है। तो बॉय मिया पाजी ने ये बहुत बढ़िया चीज़ करी और इन्होंने प्रोड्यूस इतना कमाल का करा यार, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि बॉय मिया इतने तगड़े प्रोड्यूसर है। तो यार सही में यार बहुत कमाल का यार, अप्रिशिएट करना पड़ेगा बॉय मिया पाजी को, कमाल। इस एल्बम का ये मैं दूसरा प्यार नाल ये दूसरा रिएक्शन कर रहा। तो भाई मैं इससे पहले अभी काली हुडी करा था, वो अभी भाई नेक्स्ट लेवल था। तो बॉय मिया पाजी ने अपनी तरफ से आग बिछा रखी है, आग लगा रखी है, तोड़ भाई मजे आ गए। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो कि अगर कोई मतलब अगर अच्छा लिसनर होगा तो उसको ये लगेगा कि यार इसमें है ना थोड़ी वाइब नहीं आ रही है, या फिर उसको थोड़ा अजीब सा लग सकता है क्योंकि इसमें बिल्कुल ही बॉय मिया पाजी ने ऑटोट्यून यूज़ नहीं कर रखा। आप ये चीज़ देख सकते हो, आपको खुद अच्छे से पता लगेगा। ऑटोट्यून भी है ना, देखो एक है ना एक तरीके का, मैं बता दूँ एक आपको थोड़ा सुर में लिया आता है बस वो, ठीक है, थोड़ा हल्का सा मतलब आपको वोकल को सुर में ले आएगा और बैलेंस कर देगा और उसका एक फ्लेवर होता है। अगर उसका एक फ्लेवर जो कि सुनने में मज़ा आता है। ऑटो ट्यून करने से कोई ये नहीं होता कि यार कि भाई उसने मतलब ऑटो ट्यून सिंगर है, ये है वो है। बॉय मिया पाजी एक रैपर है एक तरीके से, वो गा भी सकते हैं गाना, ठीक है, क्योंकि नोट्स गाना मतलब रैपर जितने भी होते हैं वो अक्सर मतलब एक स्केल में गाने को गाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या फिर कुछ भी लगा लो एक्स वाई जेड, तो वो भी स्केल के अंदर काम करते हैं। तो ये नहीं होता कि भाई हाँ वो अब अरिजीत थोड़ी बन जाएगा, सीधी बात यही कहूँगा कि वो अरिजीत जैसा थोड़ी यार उस्ताद जी बन जाएंगे। तो सीधी बात यही है कि यार ऑटो ट्यून एक फ्लेवर जनरेट करता है। अगर आप बोलते हो कि आप ऑटो ट्यून सिंगर हो, किसी को ही बोल तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप एक गाना भी स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करो, आप ऑटो ट्यून पर गाओ और फिर आपको मैं बोलता हूँ कि भाई
गारंटी है कि आप नहीं गा पाओगे, कि आपको अगर उसमें ऑटो ट्यून लगा के भी मैंने कर दिया ना जैसे तैसे, मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, मैं भी मिक्स इंजीनियर हूँ, तो मेरी जितनी भी नॉलेज है कि अगर आपको गाना ही नहीं आता तो चाहे आप ऑटो ट्यून लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, तो वो कुछ भी काम करनी है। ऑटो ट्यून एक फ्लेवर जनरेट करता है, एक तरीके से दूध के अंदर शहद वाला काम कर लेगा या चाय के अंदर चीनी वाला बोल सकते हैं, ठीक है, शक्कर जैसा, तो भाई वो वाला काम है। तो वो बस एक फ्लेवर जनरेट करता है, ना कि वो पूरा ही सुर में कर देगा आपको, ना कि वो पूरा ही गा रहा है ऑटो ट्यून, ऐसा कुछ चक्कर नहीं होता भाई। मैं आपको है ना बहुत मतलब एकदम से चीज़ याद आ गई थी कि बताने के लिए कि भाई उत्साहित तो हो गया था, उत्साहित हो गया था मतलब थोड़ा मैं वो हो गया था कि मेरे को बताना है। तो बात ये थी कि ये है ना उन आशिकों के लिए गाना, या फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिनके रिलेशनशिप में लड़ाई वगैरह होती है और हर बात लड़ाई करने के बाद में ये करते हैं कि भाई मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, ब्रेकअप करना है, ये करना है, वो करना है, 50 चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। फिर तो मतलब एक सिंपल सा है कि बंदा उसको यही बात बोल रहा है कि भाई अगर तेरे को ध्यान है ना तो मेरे को बता चली जाइए, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, और मेरे को हंसाने उसने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तेरे को जो करना हो तो आराम से कर लीजिए, मैं इतना टॉक्सिक नहीं हूँ, ना कि मैं ऐसा पर्सन हूँ कि भाई तेरे पीछे चेपूंगा, मैं मर जाऊँगा, मैं जहर खा लूँगा, तेरे को जाना है तो भाई प्यार नाल चली जा भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं बाकी तेरे से, अगर मैं तेरे को बस प्यार करता हूँ, प्यार करने का मतलब यही होता है कि भाई तुम एक इंसान को भाई बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करो और वो जैसा मतलब चाहे उसको मतलब वैसा प्यार दो, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि भाई तुम किससे तुम प्यार करते हो, जैसे मैं किससे भी प्यार करता हूँ या फिर एक्स वाई जेड किससे भी आप भी करते होंगे, ठीक है। तो भाई जैसे मम्मी और मेरा हो गया, ठीक है, जो मेरी माँ है, जैसे आपकी माँ होगी, तो उनके साथ में जो आपका कनेक्शन है, बॉन्ड है कि भाई हाँ एक बार लड़ाई हो जाती है कि भाई हाँ कि मम्मी ने डांट दिया तो आप नाराज़ हो गए, फिर हाँ बाद में फिर बात करती है मम्मी, खुद बात कर देगी कि भाई रोटी खा ले, ये खा ले, वो खा ले, या ये लिया वो लिया सामान लिया, तो वो चीज़ एक अलग बॉन्ड होता है कि भाई प्यार ऐसे करो कि भाई हाँ उसमें ये नहीं हो कि भाई ब्रेकअप करना है, ये करना है, वो करना है, कि भाई तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है उसके बाद में। तो बस आपको यही सी चीज़ का ध्यान रखना है, फिर इस चीज़ के अंदर आपको मज़े भी आते हैं यार कि भाई हाँ लड़ाई होगी हो गई, छोड़ दो भाई, मतलब लड़ाई को छोड़ दो, बंदी को नहीं छोड़ो। अगर फिर ज़्यादा टॉक्सिक वाला रिलेशनशिप हो रहा है तो सीधा बोलो कि भाई अगर तेरे को जाना है तो भाई मेरे को माफ़ कर और तू तो जा भाई, मेरे को भी जीने दे। तो भाई ऐसे ही मैसेज दिया है बोहिमिया पाजी ने इस गाने के अंदर, मेरे को मज़े आए भाई गाने को सुनने में और मेरे को रिएक्शन करने में बड़े मज़े आ रहे हैं बोहिमिया पाजी के ट्रैक को, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा इनको भी आइडल मानता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब मैंने सुना भी था, मैंने हिप हॉप के बारे में कुछ भी जानता नहीं था, तो मैं 2008 में इनका 420 गाना आया था शायद वो एल्बम थी, तो फिर मैंने उसके अंदर ये गाने सुने थे, तो मैं तब 10 साल का था, तो बस वहाँ से थोड़ी कनेक्शन है मेरी, तो बस उसको लेकर थोड़ा प्यार है बोहिमिया के साथ में मेरे को। तो भाई मेरे को मज़ा आया, बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और बाकी अगर आप कोई भी बोहिमिया पाजी का ट्रैक करवाना चाहते हो रिएक्शन तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप कोई भी आर्टिस्ट हो, मतलब कि आप खुद रैप आर्टिस्ट हो या म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो, तो आप मेरे को बता सकते हो, अगर आपका कोई गाना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर मैं आपका गाना रिएक्शन कर दूंगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर और हर हर महादेव सभी को।